नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के लाल ईशान किशन का बल्ला जब बोलता है तो बड़े बड़े खिलाड़ियों की बोलती बंद कर देता है। बिहार से निकलकर भारतीय टीम में अपना स्थान बनाने के साथ ही ईशान ने बिहारियों का सीना गर्व से ऊंचा कर दिया था। वहीं अब उनके एक के बाद एक रिकॉर्ड हर बिहारियों का सर गर्व से ऊंचा कर रहे हैं। ये उनका खेल ही तो था जिसकी वजह से इस साल खेले गए आईपीएल में वो सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर उभरे थे। वो अलग बात है कि इस बार मुंबई की टीम प्लेऑफ में जगह बनाना तो दूर, टीम सही ढंग से मैच भी नहीं जीत पाई थी, लेकिन ईशान किशन की बल्लेबाजी कमोबेश इस साल के आईपीएल में भी सही थी। वहीं जो कसर रह गई थी उसकी भरपाई अब ईशान T20 मुकाबले में कर रहे हैं, जिसका प्रमाण यही है कि अब ईशान का बल्ला एक बार फिर से T20 मुकाबले में बोल रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में ईशान किशन ने रनों की ऐसी झड़ी लगाई है कि विश्व के टॉप 10 बल्लेबाजों में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये डेटा तो हाल ही में ICC की तरफ से पेश किया गया है। ICC की तरफ से जारी किए गए लेटेस्ट रैंकिंग में ईशान किशन को 68 स्थान का फायदा हुआ है और वो लंबी छलांग लगाते हुए 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। है ना ये गर्व की बात। इतना ही नहीं, ईशान का कारनामा यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये पहला मौका है जब ईशान T20 रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंचे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे सीरीज से पहले ईशान की रैंकिंग 76 थी, लेकिन भारतीय टीम ने जैसे ही इस T20 मुकाबले की शुरुआत की तो ईशान के बल्ले से रनों की बौछार देखने को मिली। आलम कुछ यूं रहा कि खेले गए 3 मैचों में ईशान के बल्ले से 164 रन निकले, जिसमें ही उनका स्ट्राइक रेट 3 पारियों में 54.67 की औसत और 157.69 का रहा है, जिसके बाद ईशान किशन तो बेहद खुश है ही, बिहार के लोग भी काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ICC T20 की रैंकिंग में भारतीय टीम का कोई दिग्गज या फिर पुराना खिलाड़ी नहीं है। इसीलिए ये पल हर एक बिहारी के लिए और ज्यादा गौरवान्वित करने वाला इसीलिए भी है क्योंकि ईशान ने सभी दिग्गजों को पछाड़ते हुए अपनी ये जगह बनाई है। वहीं ईशान के मौजूदा फॉर्म को देखते हुए जानकार तो यही मान रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप में उनको स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है, लेकिन ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ही उन्हें मैदान पर उतरने का मौका मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप के दौरान रोहित शर्मा और KL राहुल दोनों की ही वापसी की पूरी संभावना बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में ओपनिंग का स्लॉट ईशान के लिए खाली नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि रोहित और राहुल की जोड़ी पिछले काफी समय से टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करती रही है। ऐसे में वर्ल्ड कप से ठीक पहले टीम मैनेजमेंट इस जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहेगी। आंकड़े भी इन दोनों के ही ओपनिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। वहीं रोहित और ईशान की जोड़ी की बात करें तो 7 पारियों में 279 रन की साझेदारी दोनों ने की है, लेकिन ईशान अभी फॉर्म में है। ऐसे में टीम अगर उन्हें बिठाती है तो टीम के लिए ये सही फैसला साबित नहीं हो सकता है। पिछले साल वर्ल्ड कप के बाद से ही वो लगातार T20 में खेल भी रहे हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट के पास एक विकल्प ये जरूर है कि मुख्य विकेटकीपर ऋषभ पंत को ड्रॉप कर ईशान को मौका दिया जाए। हालांकि वर्ल्ड कप तक कैसी परिस्थिति बनती है, कैसी नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।